हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा स्पेशल टोनर शेयर करने वाली हूँ जो आपके स्किन से हर तरीके की प्रॉब्लम को खत्म कर देगी, जिसे बोलूं जड़ से खत्म कर देगी। जी हाँ, सबसे पहली बात ही आपके फेस के जो ऑयल निकलता है एक्स्ट्रा, उसको दूर करेगी। एक्ने, पिम्पल, ब्लैक हेड, ब्रेकआउट, कुछ भी स्किन पे प्रॉब्लम वो खत्म करेगी। आपके स्किन का जो डलनेस है, जैसे बोलूंगा डिस्कलरेशन आ जाता है, अनियमित स्किन टोन, इन सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर देगी। जी हाँ दोस्तों, और इस टोनर को बनाना बहुत ही आसान है। आपको कुछ भी नहीं इसमें ऐड करना, सिर्फ एक चीज से इस टोनर को मैंने बनाया है बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। और कैसे बनाना है वो आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के पास नोटिफिकेशन बेल होगा, उसे प्रेस जरूर कर दे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस टोनर को बनाने के लिए लेना है इस तरीके से एक स्प्रे बॉटल। आप देख सकते हैं मेरे पास स्प्रे बॉटल है, और उसे मैंने आधा भर लिया है पानी से। जो नॉर्मल जो फिल्टर वाटर आता है मैंने उसे भर लिया, आपको भी इसी तरीके से भर लेना है। और उसके बाद अपना जो टोनर में जो मेन चीज है वो डालेंगे। तो इस तरीके से पहले हम बॉटल को ओपन कर ले रहे हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ऑलरेडी पानी भर लिया था। तो अब इसके बाद जो अपने इसमें मेन चीज वो डालेंगे वो है एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर, इसे मैंने घर पे तैयार करके रखा है। अभी मैं इसका वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप घर का बनाया हुआ एप्पल साइडर विनेगर यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप मार्केट में जो आता है एप्पल साइडर विनेगर आप वो भी ले सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको हम इक्वल क्वांटिटी में ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आधे बॉटल में पानी डाला है, सेम आधी क्वांटिटी में, मतलब आधे बॉटल से हम इसको फिल करेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो एक बात ध्यान दे, आप पानी की जो क्वांटिटी उसको बढ़ा दे, और साइडर की जो क्वांटिटी उसको, विनेगर की जो क्वांटिटी उसको कम कर दे। एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। या बोलूं तो एप्पल साइडर विनेगर, जिससे सेब का सिरका भी बोलते हैं, ये फर्मेंटेड लिक्विड होता है जिसमें कि एसिटिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर बात करूं इसकी खूबियों के बारे में, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अभी जब मैं आप लोगों के साथ एप्पल साइडर विनेगर कैसे बनाया जाता है, उसके बहुत कितने सारे यूजेस है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। तो अभी तो बात मैं इसकी करूं तो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, अगर अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं, डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, तो आप इन सारी चीजों में भी अपना एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हैं। और स्किन की बात करूं तो स्किन के लिए तो बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आपके स्किन पे सबसे खास बात है ये कि आपके स्किन के जो पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। जी हाँ, और आपके स्किन पे दाग धब्बे हो, पिंपल हो, जिनकी स्किन ऑयली होती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। दाग धब्बे, पिंपल, मस्से, एक्जिमा, मतलब जैसे बोलूं स्किन पे अगर टाइट नहीं है, ब्राइटनेस खत्म हो गई, तो उन सारे चीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि एप्पल साइडर विनेगर की, अगर आप एक बॉटल ले लेते हो तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि आपको एप्पल साइडर विनेगर को डायरेक्टली अपने फेस पे कभी भी अप्लाई नहीं करना होता। जी हाँ, एक बात ध्यान दें, अगर आप एप्पल साइडर का यूज करते हैं और आपको नहीं पता है, तो एप्पल साइडर विनेगर कभी भी अपने डायरेक्टली अपनी स्किन अप्लाई नहीं किया जाता, ना ही इसे कभी डायरेक्टली खाया जाता है। तो इसे, क्योंकि ये एसिड की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होती है, तो जब भी आप इसे यूज करें उसे पानी में मिलाकर के ही यूज करें। तो मैंने बता दिया कि एप्पल साइडर विनेगर क्या होते हैं दोस्तों। तो इसे हम, जैसे मैंने बताया, इसे हम इसमें अपने बॉटल में फिल कर लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, टोनर मैंने जो एप्पल साइडर विनेगर दिखाया था उसे इस तरीके से मिक्स कर लिया है डाल करके, और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो लाइट येलो है। जी हाँ, और इसका जो ओरिजिनल कलर भी येलो ही होता है। अब हम इसे अच्छे से इस तरीके से शेक करके अपने हाथों पे, मैं आपको स्प्रे करके दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से निकल रहा है। और आपको जब अपने फेस क्लीन करें, क्लींजिंग करने के बाद हमेशा टोनिंग करनी चाहिए। और हम जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको तो हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए, जिनके पोर्स ओपन होते हैं, ऑयली होती है, वो हमेशा टोनिंग करें। चाहे कितना भी आप बिजी रहे, कुछ भी रहे, हमेशा टोनिंग करें, क्योंकि टोनिंग करने से क्या होता है, पोर्स आपके क्लॉक होते हैं, और जब आपके पोर्स बंद होंगे, मतलब क्लींजिंग के बाद अगर आप टोनिंग करेंगे, तो आपको ब्लैक हेड, एक्ने, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको एप्पल साइडर विनेगर को अपने फेस को क्लीन करने के बाद अप्लाई करना है इस टोनर को, और मॉर्निंग इवनिंग जब भी अपने फेस को वॉश करें उसके बाद इस टोनर को अप्लाई करें, उसके बाद आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर लगा लें। तो जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरा हमारा एप्पल बढ़िया सा टोनर घर पे बन करके तैयार है। आप इसे बना करके अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, या आराम से आपका 15 से 20 दिन चल जाएगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला। और आप जब भी, जैसे मैंने कहा, फेस वॉश करें उसके बाद आप इसे अप्लाई करें, और आप खुद देखेंगे कितने दिनों बाद इतनी जल्दी आपकी जो स्किन में, सबसे पहले बात आपके फेस पे जो ऑयल निकलता है वो कंट्रोल हो जाएगा, एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। आप इसे इस्तेमाल करके देखिए और आप खुद से फर्क नोटिस करेंगे कि इसे इस्तेमाल करने से आपकी स्किन कितनी ज्यादा अच्छी हो गई। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, और ये मेरा बढ़िया सा स्पेशल टोनर। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।